श्री अरुण साहब जी, माननीय सभापति जी, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के चार प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ कक्केम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन चार प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग चार प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले एक महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन चार सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जान के रक्षा करे, ये लोकतंत्र की हत्या बंद हो, ये राज्य सरकार को निर्देशित करे और स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। बहुत धन्यवाद।